पैकिंग, सामान बांधना। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स, क्या आपको यात्राओं पर जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट, किस प्रकार की यात्राएं आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग to pack for a trip, और आपको यात्रा पर जाने के लिए सामान पैक करना कैसा लगता है? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need? क्या कभी आपको किसी यात्रा पर जाते वक्त ऐसा पता चला है कि आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी आप उसे पैक करना ही भूल गए, और दैट यू कांट फाइंड देम ईजिली, या फिर आप उन्हें आराम से नहीं ढूंढ पा रहे हैं? डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योरसेल्फ, क्या यह आपको गुस्सा दिलाता है या अपने आप पर हंसने के लिए मजबूर करता है? Now read this description of how the author and his friends pack. अब ये जो ब्यौरा दिया गया है, यानी जो कहानी है, इसको पढ़िए, किस प्रकार लेखक और उसके दोस्त सामान बांधते हैं, यानी पैकिंग करते हैं। I said I'd pack. मैंने कहा मैं सामान बांधता हूँ। I rather pride myself on my packing. मुझे अपने सामान बांधने पर बड़ा गर्व है। प्राइड माई सेल्फ ऑन, एम प्राउड ऑफ, यानी मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व करता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से सामान बांध सकता हूँ, पैकिंग कर सकता हूँ। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। पैकिंग उन बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ है जिन्हें मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में किसी भी जीवित व्यक्ति से अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ, यानी पैकिंग में मैं बहुत ही अच्छा हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, यह मुझे स्वयं ही आश्चर्यचकित करता है। समटाइम्स, कई बार, हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, अरे कितनी सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं इतना अच्छा हूँ। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, और मैंने जॉर्ज और हैरिस के ऊपर इस प्रकार का प्रभाव दिखाया कि आप लोग साइड में हो जाएं, अलग बैठ जाएं और सारा मामला मुझ पर छोड़ दें, यानी पैकिंग मैं कर लूँगा। दे फेल इन टू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। फेल इन टू हियर एक्सेप्टेड, अनकैनी, स्ट्रेंज, वियर्ड, यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया और बहुत ही विचित्र बात उन्हें लगी। तो उन्होंने इस सलाह को स्वीकार कर लिया, बिल्कुल तैयार होकर के उन्होंने आराम से इसे स्वीकार किया, और थोड़ा सा उन्हें ये बात कुछ कुछ अजीबोगरीब लगी, यानी हैरिस और जॉर्ज ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप पैकिंग कीजिए, हम आराम से बैठते हैं। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, जॉर्ज ने अपने आप को आराम कुर्सी पर फैला दिया, यानी वो बैठ गया आराम से। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और हैरिस ने एक के ऊपर एक पैर रख करके टेबल पर आराम से बैठ गया। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंटेड, ये बात तो मैंने कभी, मेरा ऐसा इरादा ही नहीं था कि वो इस प्रकार करेंगे। What I had meant, यानी मेरा जो मतलब था, of course, ठीक, was that I should boss the job, कि मैं इस काम को निरीक्षण करूँ, इसको बॉस करूँ, यहाँ पर इनका बॉस की तरह से काम करूँ। And that Harris and George should potter about, do some unimportant things, कुछ छोटे मोटे महत्वपूर्ण कार्य करें। Under my directions, मेरे निर्देशन में हैरिस और जॉर्ज छोटा मोटा कोई काम करें और मैं उनको बताता रहूँ, भाई ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो।
आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाव एंड देन विद, और मैं उन्हें जब तब अलग हटाता रहूं और कहता रहूं, ओह यू हियर लेट मी डू इट, अरे लाओ मुझे इसे करने दो, देयर यू आर सिंपल इनफ, अरे देखो ये हो गया, कितना आसान था। रियली टीचिंग देम, वास्तव में उनको पढ़ाते हुए सिखाते हुए, एज यू माइट से, ऐसा आप कह सकते हैं। दे आर टेकिंग इट इन द वे, और इस तरह से उन्होंने इस बात को लिया, दे डिड इरिटेटेड मी, उन्होंने मुझे चिढ़ा दिया, परेशान कर दिया, यानी जिस तरह से वो आराम से बैठ गए उससे ये लेखक जो है चिढ़ गया। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, और इससे ज़्यादा परेशान कर देने वाला, चिढ़ाने वाला कोई बात नहीं होती है जब लोग आराम से बैठे रहें और मैं काम करता रहूं और वो मुझे देखते रहें। I lived with a man once who used to make me mad that way. एक बार एक आदमी के साथ मैं रहा हूँ जो इस तरीके से मुझे पागल कर दिया करता था। He would loll on the sofa, वो आराम से सोफे पर पड़ा रहता, and watch me doing things by the hour together, और मुझे काम करते हुए देखते रहता था घंटों तक। He said it did him real good to look on at me messing about, और वो कहा करता था कि बड़ा अच्छा लगता है आपको ये सारी गड़बड़ करते हुए देखना, मैसिंग अबाउट गड़बड़ करना, तो ये गड़बड़ करते हुए देखना आपको मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा वो कहा करता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, अब मैं वैसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, मैं आराम से बैठ नहीं सकता और दूसरे व्यक्ति को गुलामी करते हुए काम करते हुए नहीं देख सकता कि मैं आराम से बैठा रहूं और दूसरा काम करता रहे, ऐसा मैं नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड, मैं चाहता हूं कि खड़ा हो जाऊं और उसे निर्देशित करूं, यानी उसको बताऊं, एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और चारों तरफ घूमूं, मेरे हाथ मेरी जेब में रहें, एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और मैं उन्हें बताऊं कि क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा उत्साहपूर्ण स्वभाव है, ओजस्वी स्वभाव है, आई कांट हेल्प इट, मैं बहुत ही मजबूर हूँ, मैं ऐसा कर ही पाता हूँ, इसके लिए मैं मजबूर हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा और सामान बांधना शुरू कर दिया। It seemed a longer job than I had thought it was going to be. ये एक लंबा काम था जितना कि मैंने सोचा था कि ये होगा, यानी मेरे सोचने से कहीं ज़्यादा बड़ा काम था। But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. और अंत में मैंने थैला बांध दिया, पैक कर दिया, उसके ऊपर बैठ गया और उसको फीते से बांध दिया, स्ट्रैप्ड जो फीते लगे रहते हैं बैग के अंदर उनको बांध देना। तो अंत में मैंने बैग को फिनिश कर दिया, यानी बांध करके उसको उसके ऊपर बैठ गया। Ain't you going to put the boots in? Ain't ये यूज किया जाता है aren't के लिए, doesn't के लिए और जो भी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं उनके शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। इनफॉर्मल है, फॉर्मल लैंग्वेज में हम इसका यूज नहीं करते, अनौपचारिक रूप से ही यूज करते हैं। तो हैरिस कहता है, क्या आपने जूते अंदर नहीं रखे? एंड आई लुक्ड अराउंड, एंड आई लुक्ड अराउंड, मैंने पीछे देखा, एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और पाया कि मैं तो ये भूल ही गया था, यानी जूते रखना तो भूल ही गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ये हैरिस का तरीका है। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई गॉट द बैग शर्ट एंड स्ट्रैप, वो तब तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक कि मैं बैग को बंद करके उसके फीते नहीं बांधूंगा। ऑफ कोर्स, निश्चित ही। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज हंसा, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली हंसी होती है, सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, बिल्कुल बेमतलब हंसी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और ये चीज़ें मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हैं, मुझे बहुत क्रोधित कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने
बैग को खोला और जूते उसमें रख दिए. एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं इसको बंद करने वाला था, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, एक बहुत ही भयानक विचार मुझे आया. हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया है. आई डोंट नो हाउ इट इज, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. मुझे मैं नहीं जानता कि किस प्रकार से, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चलता कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं. माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी वेन आई एम ट्रेवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी. हॉन्ट्स हियर टू रिपीटेडली गिव ट्रबल, यानी परेशान करता है. टूथब्रश जो है वो मुझे परेशान करता है जब भी मैं यात्रा करता हूँ, और मेरे जीवन को बड़ा दुखी बना देता है, मुसीबत खड़ी कर देता है मेरे लिए. आई ड्रीम दैट आई हैवन्ट पैक्ड इट एंड वेक अप इन ए कोल्ड परस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट. मैं सपने में देखता हूँ कि मैंने इसको पैक नहीं किया है, टूथब्रश को पैक नहीं किया है, और ठंडा पसीना यानी पसीने पसीने होकर के मैं उड़ जाता हूँ और अपने बिस्तर से जा करके इसको ढूंढता हूँ, बिस्तर से निकल करके इसको ढूंढता हूँ, हंट फॉर इट, इसको ढूंढता हूँ. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और सुबह होते ही मैं इसे इस्तेमाल करने से पहले ही पैक कर देता हूँ. एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर से इसको प्राप्त करने के लिए, इसको पाने के लिए यानी यूज़ करने के लिए, जब मैं इसको निकालता हूँ दोबारा से अनपैक करता हूँ. एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये हमेशा लास्ट चीज़ होती है जो कि मैं थैले से निकालता हूँ. एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और मैं सामान को दोबारा से बांध देता हूँ और इस टूथब्रश को रखना भूल जाता हूँ. एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ. और जब मैं भूल गया इसको रखना, तो सुबह सुबह यात्रा पर जाने से पहले मैं ऊपर की तरफ दौड़ता हूँ और अंतिम क्षण में इसको उठा करके रेलवे स्टेशन की तरफ भागता हूँ, जो कि बंधा हुआ होता है, रैप किया होता है, लपेटा हुआ होता है एक रुमाल के अंदर. मतलब ये रुमाल में इसको बांध लेता है, लपेट लेता है अपने टूथब्रश को, और जल्दीबाजी में रेलवे स्टेशन की तरफ भागता है. ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट. एवरी मॉर्टल थिंग, एवरी ऑर्डनरी थिंग, जितनी भी इसके अंदर सामान्य चीज़ें हैं थैले के अंदर, बैग के अंदर, ये अब मुझे सब निकालनी होंगी और मैं इसे नहीं ढूंढ सकूंगा, सकता हूँ. तो यहाँ पर ये सभी चीज़ों को निकालता है बाहर और ढूंढता है, कुड नॉट फाइंड इट. आई रमेज्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे रमेज्ड, सर्च्ड इन ए हरीड और केयरलेस वे, यानी जल्दबाजी में ढूंढना रमेज्ड कहलाता है. बहुत तेज़ी से छानबीन की इसने, सभी चीज़ों को ढूंढा इस तरीके से, इस प्रकार से. दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, इस प्रकार से हो गई वो सारी की सारी चीज़ें जैसे कि विश्व के बनने से पहले. एंड वेन केओस रेंट, और जब चारों तरफ केओस का मतलब उथल पुथल होना, अस्त व्यस्त होना, चारों तरफ जब प्रलय का माहौल था, उस प्रकार की स्थिति बन गई. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है, पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये बैठे हैं जॉर्ज एंड हैरिस, और ये ऑथर जो है पैकिंग कर रहा है, टूथब्रश को ढूंढता है, इधर उधर सामान फैलाता है. ये सारी घटनाएं इस चित्र के अंदर आपको दिख रही हैं. ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, निश्चित ही मुझे जॉर्ज के और हैरिस के टूथब्रश 18 बार मिले. बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मुझे अपना स्वयं का टूथब्रश नहीं मिला. आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, और मैंने चीज़ें एक एक करके वापस रख दी. एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, और सभी चीज़ों को ऊपर उठा करके हिलाता रहा. देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट,
और तब मुझे एक जूते के अंदर मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर, मुझे एक बार फिर से सामान बांधना पड़ा। When I had finished, जब मैंने ये सारा काम समाप्त कर लिया, George asked if the soap was in. George ने पूछा, क्या साबुन रख लिया है? I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. तब मैंने कहा कि मुझे तनिक भी परवाह नहीं है, मुझे जरा भी चिंता नहीं है, care है hang, मुझे जरा भी परवाह नहीं है कि साबुन अंदर रखा था या नहीं रखा था। And I slammed the bag shut and strapped it. और मैंने उस थैले को जोर से बंद कर दिया और फीता बांध दिया, यानी कस करके जो स्ट्रैपिंग होती है उसकी वो लगा दी। And found that I had packed my spectacles in it. और तब मुझे पता लगा कि मैंने अपने चश्मा उसके अंदर पैक कर दिया है। And had to reopen it. और दोबारा से मुझे वो बैग खोलना पड़ा। It got shut up finally at 10:05 PM. और अंत में सारा कार्य, यानी कि ये जो बंद हुआ थैला, ये बैग जो पैक हुआ, ये 10:05 PM पर पैक हो गया। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू, हैम्पर्स लार्ज बास्केट्स फॉर कैरी फूड, तो खाना रखने के लिए जो बड़ी बड़ी टोकरियां होती हैं उसके लिए आता है हैम्पर्स। तो यहां पर ये जो टोकरी थी खाना रखने की, ये रह गई थी खाली, बैग तो तैयार हो चुका था। Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest. Harris ने कहा कि अब हमारे पास शुरू करने के लिए 12 घंटे का समय बचा है, मतलब 12 घंटे से भी कम समय बचा है यात्रा का, तो अब जो बाकी का काम है वो better do the rest, यानी कि बाकी का जो काम है बचा है, यानी hampers पैक करने का काम है, ये जॉर्ज और हैरिस कर लेंगे। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन, और मैं इस बात से सहमत हो गया, बैठ गया। एंड दे हैड ए गो, और वे प्रयास करने लगे, हैड ए गो कोशिश करना, तो वे कोशिश करने लगे। दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट, उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में काम शुरू किया, बहुत ही आराम से। Evidently intending to show me how to do it. स्पष्ट रूप से वो मुझे दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से ये काम किया जाता है। I made no comment. मैंने कोई भी टिप्पणी नहीं की, कोई बात नहीं कही। I only waited. मैंने केवल इंतजार किया। With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. यानी अगर जॉर्ज को छोड़ दिया जाए, यानी हैरिस जो है सबसे खराब सामान पैक करने वाला है, सबसे खराब पैकर है इस दुनिया के अंदर, यानी जॉर्ज और हैरिस दोनों ही खराब सामान बांधने वाले हैं इस संसार के अंदर, ये कहना चाहते हैं। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड कैटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टमेटोज एक्सेट्रा एंड फेल्ट दैट The thing would soon become exciting. तो मैंने देखा, piles का मतलब बहुत सारा ढेर जो होता है बड़ा सा, तो बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है जिसमें प्लेट हैं, तश्तरियाँ, कप्स हैं, प्याले एंड केटल्स केतलियाँ, बॉटल्स बोतल, जार मर्तबान, पाइस कचौरी या समोसा आप कह सकते हैं, एंड स्टोव्स चूल्हा, एंड केक्स केक्स ही होता है, टोमेटोज टमाटर, इस तरह की जो चीज़ें थी इनका ढेर एक तरफ लगा हुआ था। और मुझे ये महसूस हुआ कि अब कुछ बहुत ही रोचक होने वाला है, उत्सुकता उत्साहपूर्ण होने वाला है, कुछ उत्तेजनापूर्ण होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। इट डिड, और ऐसा हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप, उन्होंने एक प्याले को तोड़ने से शुरुआत की। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये पहला काम था जो उन्होंने किया। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू What they could do, और उन्होंने ऐसा किया केवल आपको ये दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकते थे, एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और आपकी रुचि उसमें बढ़ाने के लिए, ताकि आपका मनोरंजन हो जाए, आप उसके अंदर रुचि लेने लग जाएं। Then Harris packed the strawberry jam
ऑन टॉप ऑफ अ टमेटो एंड स्क्वैश्ड इट। तब हैरिस ने एक स्ट्रॉबेरी जैम को रख दिया टमाटर के ऊपर और टमाटर को कुचल दिया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून, और उन्हें वो टमाटर एक चम्मच से बाहर निकालना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, ट्रोड ऑन स्टेप्ड ऑन, चलना, पैर रख दिया उन्होंने बटर के ऊपर, मक्खन के ऊपर पैर रख दिया जॉर्ज ने। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। मैं कुछ कहा तो नहीं मैंने, लेकिन मैं आकर के टेबल पे बैठ गया, टेबल के किनारे पे बैठ गया और उनको देखा। ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर है, इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। ये ऑथर हैरिस एंड जॉर्ज, और ये बटर ट्रॉड ऑन, बटर के ऊपर पैर रख दिया जॉर्ज, ट्रॉड ऑन द बटर। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, और इस बात ने उन्हें इतना चिढ़ा दिया कि अगर मैं कुछ कहता तो शायद इतनी चिढ़ वो पैदा नहीं होती। आई फेल्ट दैट, किस बात ने, कि वो आकर के वहाँ बैठ गया टेबल के ऊपर और उसको, उनको देखने लगा, इस बात से वो इतना चिढ़ गए कि अगर मैं कुछ कहता तो शायद इतना नहीं चिढ़ते। आई फेल्ट दैट, मुझे ऐसा लगा। आई मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, मैंने उन्हें घबरा दिया था और उत्तेजित कर दिया था। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और इस उत्तेजना के अंदर वो चीज़ों पर चलते जा रहे थे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीज़ों को अपने पीछे रख लेते थे। एंड देन कुडंट फाइंड देम, और तब वे प्राप्त नहीं कर पाते थे। व्हेन दे वांटेड देम, जब उन्हें वो चाहिए होती थी, यानी चीज़ों को पीछे रख लेते थे और जब उन्हें वो चीज़ चाहिए होती थी तो उन्हें मिलती नहीं थी। एंड देन पैक द पाइज एट द बॉटम, और उसके बाद कचौरियों को उन्होंने बांध दिया, नीचे रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और जो भारी चीज़ें थी वो ऊपर रख दी। एंड स्मैश द पाइज इन, और पाइज को भी अच्छे तरीके से कचूमर उसका निकाल दिया, उसको कुचल दिया अच्छे तरीके से, वो बर्बाद हो गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने नमक को सभी चीज़ों पर बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, और जहाँ तक ये मक्खन की बात है, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद वन एंड टू पेंस वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। मैंने दो व्यक्तियों को इस एक दो पेंस, पेंस मुद्रा है ब्रिटेन की, तो उस मुद्रा यानी पैसा जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, उस तरीके से वहाँ पर पेंस है, तो एक दो पेंस की चीज़ के लिए, यानी एक दो पेंस का जो बटर था उसके लिए मैंने जीवन भर किसी को इतनी इस तरीके से करते हुए नहीं देखा जैसा कि ये दोनों कर रहे थे। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, और जब जॉर्ज ने इसे अपने चप्पल से उतार लिया, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, और उन्होंने कोशिश की कि इसे केतली में रख दिया जाए। इट वुडंट गो इन, एंड वट वॉज इन वुडंट कम आउट, ये अंदर नहीं जा रहा था और जो अंदर था वो बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रेप इट, और उन्होंने इसको खुरचा, इसके स्क्रेप का मतलब खुरचना किसी चीज़ से, उन्होंने उसे खुरचा आउट एट लास्ट, और बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, और कुर्सी पर रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और इस बटर के ऊपर हैरिस बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, अब ये मक्खन जो है हैरिस के पीछे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और ये इसको ढूंढते हुए पूरे कमरे में घूमते रहे। आई विल टेक माय ओथ आई पुट इट डाउन ऑन द डेड चेयर, सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। अरे भाई मैं कसम खा के कहता हूं मैंने इसको कुर्सी पर ही रखा था, जॉर्ज ने कहा खाली सीट को घूरते हुए। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट अगो, सेड हैरिस। हैरिस ने भी कहा अरे मैंने अभी अभी तो देखा है, मैंने खुद ही देखा है आपको, एक मिनट भी नहीं हुआ है। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, और फिर वो कमरे में घूमने लगे इसको ढूंढते हुए। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और केंद्र में जाकर के वो एक बार फिर से मिले और एक दूसरे को घूरा, स्टेयर्ड घूरना।
मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ। अरे इतनी विचित्र बात, इतनी असामान्य बात मैंने कभी नहीं सुनी, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। कितनी रहस्यमयी है, हैरिस ने कहा। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। और जॉर्ज जो है हैरिस के पीछे गया और इसको देखा। व्हाई, हियर इट इज ऑल द टाइम। क्यों, ये तो हमेशा यहीं से थी, यहीं पर थी, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। वो गुस्से से चिल्लाया, अरे ये तो यहां पर ही है। वेयर, कहां, क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड। पीछे घूमते हुए हैरिस चिल्लाया, कहां है। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। सीधे खड़े रहो, खड़े नहीं रह सकते हो क्या, रोड जॉर्ज चिल्लाया जोर से और उनके पीछे भागा। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। और पीछे से उतारा और इसको चाय के बर्तन में पैक कर दिया। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। मॉन्टमोरेंसी इन सब में शामिल था, बिल्कुल निश्चित रूप से। मॉन्टमोरेंसी's ambition in life is to get in the way and be sworn at। मॉन्टमोरेंसी की जो महत्वाकांक्षा थी, ambition जो थी जीवन के अंदर, वो क्या थी कि वो हमेशा रास्ते में आए और उसे डांटा जाए। Be sworn at, here get scolded। आपको बताते चलें, मॉन्टमोरेंसी एक कुत्ता है और ये कुत्ते के बारे में बात हो रही है। इस सारे कार्यक्रम के दौरान ये कुत्ता यहाँ पर मौजूद था और क्या क्या परेशानियाँ वो बनाता है, बताता है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उस मॉन्टमोरेंसी की जो इच्छा थी जीवन की, वो यही थी कि वो रास्ते में आता रहे और लोग उसको डांटते रहें। इफ़ ही कैन स्क्वर्म इन एनी वेयर वेयर ही पर्टिकुलर इज नॉट वॉन्टेड एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड। यदि वो कहीं पर भी बल खाता हुआ, स्क्वम एकदम छटपटाता हुआ, बल खाता हुआ जा सकता हो जहां पर उसकी आवश्यकता ना हो, यानी वहां पर उसे कोई चाहता नहीं है, वहां पर उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो वहां पर बल खाता हुआ चला जाता है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से परेशानी पैदा करता है और लोगों को पागल बना देता है। एंड हैव, ये देखिए यहां पर आपको नजर आ जाएगी पिक्चर में, ये है मॉन्टमोरेंसी और ये इसको भगा रहे हैं आपसे। मॉन्टमोरेंसी गॉट इन टू द हैम्पर बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। हैरिस जो है फ्राइंग पैन से उसको भगा रहे हैं और मॉन्टमोरेंसी जो है वो टोकरी के अंदर घुस जाते हैं। थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और उसके सिर के ऊपर चीजें फेंकी जाती हैं। देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, और तब उसे लगता है कि हाँ उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ। यानी लोगों को परेशान करना, उसके उनके रास्ते में आ जाना, उनकी चीज़ों को इधर उधर करना और डांट खाना, पिटाई खाना, ये सब करने के बाद उसे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, कुछ सार्थक मेरा दिन रहा है। टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object। किसी के रास्ते में आ जाना, स्टम्बल लड़खड़ा जाना किसी का, कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर लड़खड़ा जाता है, उससे उसके ऊपर पैर जैसे टिकता है तो, और उसको कर्स यानी कोसता है, गालियां निकालता है पूरा एक घंटे तक लगातार, ये उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, उसका लक्ष्य होता है। किसका, मॉन्टमोरेंसी का। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब वो इसे प्राप्त करने में सफल हो जाता है, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। कंसीट हियर हिज प्राइड इन हिमसेल्फ, बड़ा गर्वित हो जाता है, बहुत गर्व से अपने आप को देखता है और उसके गर्व को देख करके असहनीय हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए असहनीय हो जाता है उसका गर्व देखना, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, इस प्रकार से वो गौरवान्वित हो जाता है। He came and sat down on things। वो आया और चीज़ों पर बैठ गया। Just when they were wanted to be packed, जब हमें आवश्यकता थी उन्हें पैक करने की। And he labored under the fixed belief that,
और ये परिश्रम वो इस निश्चित विश्वास के साथ करता था, यानी वो जो बैठ जाता था करके, वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, जब भी किसी चीज़ के लिए हैरिस और जॉर्ज अपना हाथ बढ़ाते थे, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड, और उसे ऐसा लगता था कुत्ते को कि ये मेरी ठंडी गीली नाक चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ पर आकर के बैठ जाता था। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, उसने अपना पैर जैम में डाल दिया, एंड ही वरीड द टी स्पून्स, वरीड डिस्टर्ब्स यानी जितनी चम्मचें थी उनको बिखेर दिया, एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेट्स, और वो इस प्रकार से अभिनय कर रहा था, नाटक कर रहा था कि ये जो नींबू हैं ये चूहे हैं, एंड गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड, और वो टोकरी के अंदर चला गया और उन चूहों को मार दिया, यानी नींबू को बर्बाद कर दिया। थ्री ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, इससे पहले कि हैरिस उसे अपने फ्राइंग पैन से भगा सकता, तब तक उसने तीन नींबू का शिकार कर लिया था, यानी तीन नींबू खराब कर दिए थे। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने उसे उत्साहित किया है, मैंने उसे बढ़ावा दिया है। आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने तो उसे बढ़ावा नहीं दिया था। अ डॉग लाइक दैट डजंट वॉन्ट एनी एनकरेजमेंट, एक कुत्ता, इस प्रकार के कुत्ते को किसी प्रकार के बढ़ावे की जरूरत नहीं है। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, ये तो उसका प्राकृतिक वास्तविक अवगुण है जो उसके जन्म के साथ ही पैदा हुआ है, जो उसे इस तरह की चीजें करने के लिए प्रेरित करता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, जो पूरा का पूरा सामान था वो पैक हो गया 12:50 पर, एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, हैरिस बड़े वाली टोकरी पर बैठ गया, एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने कहा कि मुझे आशा है कि कुछ भी हमें टूटा हुआ नहीं मिलेगा। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, जॉर्ज ने कहा कि हाँ अगर कुछ चीज टूटी हुई मिलती है तो ये पहले से ही टूटी हुई थी। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, ये जो विचार है, रिफ्लेक्शन थॉट, ये जो विचार है ये उसे आरामदायक लगा। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, और उन्होंने कहा कि वो सोने के लिए तैयार हैं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, हैरिस उस रात को हमारे साथ ही सोने वाला था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, और हम ऊपर चले गए। इसका मतलब हैरिस जो है इनके साथ नहीं रहता है, दोस्त है, बाहर से आया हुआ था, लेकिन आज वो इनके साथ ही सोने वाला था। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हमने टॉस किया के बिस्तर के लिए, कौन से बिस्तर पर कौन सोएगा। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना था, यानी टॉस में ये आया कि हैरिस इस ऑथर के साथ सोएंगे। ही सैड, उन्होंने कहा, डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, क्या आप बिस्तर के अंदरूनी सिरे पर सोएंगे या बाहरी सिरे पर सोएंगे जे। आई सैड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड बेड, मैंने कहा कि मैं साधारण तरीके से बिस्तर के अंदर वाली तरफ सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड, हैरिस ने कहा ये तो बड़ा अजीब है। यहाँ पे बता दें, जैसे बिस्तर पूरा एक बेड लगा हुआ है तो उसके अंदर वाली साइड जैसे दीवार की तरफ एक तरफ हो गई, उसको हम कह सकते हैं कि अंदर वाली है, और जिस तरफ से उतरा जा सकता है, आराम से निकला जा सकता है, उसे बाहर वाली साइड कह सकते हैं। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, What time shall I wake you fellows? कितने बजे उठा दूं मैं आपको? Harris said, 7. Harris ने कहा, 7 बजे. I said, No, 6. मैंने कहा, नहीं, 6 बजे. Because I wanted to write some letters. क्योंकि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता था. Harris and I had a bit of a row over it. और Harris का और मेरा इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ, झगड़ा हुआ।
बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस. स्प्लिट द डिफरेंस दिस मीन्स दैट दे एग्रीड ऑन 6:30 बिकॉज इट वॉज हाफ वे बिटवीन 6 and 7. तो उन्होंने इस अंतर को बांट लिया एंड सेड हाफ पास्ट 6, यानी एक 7 बजे कह रहा है, एक 6 बजे कह रहा है, दोनों के अंतर को एक घंटे को आधे घंटे में बदल लिया. और वेकल्स एट 6:30 जॉर्ज, आधा आधा कर लिया, यानी 6:30 बजे हमें उठा देना जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा. जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया. एंड वी फाउंड, और हमने पाया, ऑन गोइंग ओवर, उसके ऊपर जब हमने देखा जा करके, दैट ही हैड बीन असलीप फॉर सम टाइम, कि वो तो कुछ समय पहले ही सो गया था. सो वी प्लेस द बाथ वेयर वी कुड टम्बल इन टू इट, वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवर सेल्व. तो हमने उनके बिस्तर के नीचे एक टब रख दिया, बाथ टब जो होता है वो रख दिया, ताकि वो जब उठें तो इसके ऊपर थोड़ी आवाज़ करते हुए उठें, यानी जैसे ही पैर रखेंगे तो ये लुढ़क जाएगा, और लुढ़कते ही हमारी आवाज़ से नींद खुल जाएगी और हम भी जा कर के अपने आप बिस्तर पर सो गए. यानी सुबह जब ये उठेंगे तो हम भी उठ जाएंगे, इस तरह से इन्होंने ये व्यवस्था कर दी. सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय जेरोम के जेरोम. तो इनकी ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंग्लिश में टफ है, लेकिन इफ़ यू रीड इट 2 or 3 times यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. सो रीड इट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 men in a boat, ये इसका अंश है, ये जो पूरी किताब है इसका एक अंश है जो हमने पढ़ा है. आप इसको दोबारा से पढ़िए और क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कीजिए.